नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मोटिवेशन विद अतुल दीक्षित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज प्रस्तुत है एक बहुत ही रोमांचक कहानी और आशा करता हूं आपको काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी ये है कि एक बच्चा दक्षिण कोरिया का, और बचपन से ही जब उसकी 10 वर्ष उम्र रही होगी तो उसके पिता का साया उसके ऊपर से उठ गया, यानी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। अपने घर का एक अकेला कमाने वाला है, अकेला सहारा, तो बचपन से ही गांव-गांव जाकर कॉफ़ी बेचता, सर्दियों के इस मौसम में गांव-गांव फेरी लगाता और लोगों को कॉफ़ी बेचता। उसको इस काम में काफ़ी आनंद आता और इस काम में उसे काफ़ी तजुर्बा भी हो गया। कॉफ़ी कहां से लाई जाए, किस वैरायटी की कॉफ़ी लाई जाए, लोग कैसी कॉफ़ी पसंद करते, वो सब कुछ जान गया। जब कुछ बड़ा हुआ तो और अधिक पैसे कमाने की चाह में वो दक्षिण कोरिया से अमेरिका पहुंचता है, क्योंकि अमेरिका दक्षिण कोरिया का पड़ोसी देश है। अमेरिका में आके वो एक कॉफी शॉप पे जॉब करता है, क्योंकि उसे कॉफी का अनुभव था। लेकिन अधिक पैसे की चाहत में कुछ ज़्यादा पैसा कमाया जाए, क्योंकि कॉफ़ी शॉप से इतना नहीं मिलता कि वो अपने लिए मकान खरीद सके, अपना खुद का कारोबार बना सके, तो ओवर टाइम करने के लिए वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करता। और जब वो पेट्रोल भरता तो वहाँ आने जाने वाले जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते, तो सभी से एक ही सवाल पूछता कि आप बड़े आदमी कैसे बने। उनमें से ज़्यादातर उसको यही बताते कि मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, मेरा व्यवसाय कपड़े का है। तो उसने ये बात जान ली कि कॉफ़ी बेचकर या कॉफ़ी से बहुत बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। उस व्यक्ति ने कॉफ़ी शॉप से काम छोड़कर और एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर ली। वहाँ पर नौकरी करने का उसका उद्देश्य था कि उसके बारे में जानकारी हासिल करना कि व्यापार कैसे किया जाता, कहाँ से कपड़ा आता है और किस तरह बेचा जाता। उस व्यापार की बारीकियाँ सीखने के लिए वो कपड़े की दुकान पर काम करता। एक दो वर्ष वहाँ काम करता तो उसको पता चलता है कि शहर में एक कपड़े की दुकान है जो बिकने वाली है, और उस कपड़े की दुकान का मालिक वृद्ध है और उसको उस व्यवसाय में काफ़ी घाटा हो रहा है, तो वो दुकान अपनी बेचना चाहता। उस व्यक्ति ने उससे संपर्क साधा और ठीक ठाक बार्गेनिंग कर उसकी कपड़े की दुकान खरीद ली। उसके बाद उसने और उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर उस कपड़े की दुकान पर मेहनत की। वो सस्ते दामों में कपड़ा खरीद कर लाता और महंगे दामों में कपड़ा बेचता। उस वर्ष उसको $10,000 का मुनाफा हुआ। साथियों, आज उस व्यक्ति के 50 देशों में 21 जोन के नाम से कपड़े की शोरूम है। आज वो करोड़ों और अरबों में खेल रहा है। उस व्यक्ति का अखबार में इंटरव्यू आया तो उसने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर हमको सफल होना है, बड़ा आदमी बनना है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये जरूरी नहीं कि छोटी पूंजी वाला व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बन सकता, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश में धीरू भाई अंबानी। तो चलिए साथियों, इस प्रेरणादायक कहानी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, नए कंटेंट साथ, नए वीडियो के साथ। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं।